औद्योगिक थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मुंशीपाड़ा के निकट बाइक पर जा रहे युवक की गोली मारकर हत्या के मामले का रतलाम पुलिस ने 36 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार युवक की 2.5 लाख रुपए में सुपारी देकर हत्या कराई गई थी। पुलिस ने इस मामले में सुपारी देने वाले और 2 शूटर सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस नियंत्रण कक्ष पर SP गौरव तिवारी ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए मीडिया को बताया। ग्राम बल्लीपाड़ा निवासी मुकेश पिता प्रभुलाल निनामा उम्र 21 वर्ष रतलाम एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी में कर्मचारी था। 14 दिसंबर सोमवार शाम भी बैंक से रोज की तरह घर के लिए बाइक से निकला था, परंतु मुंशीपाड़ा के पास रास्ते में उसका शव गड्ढे में पड़ा मिला। उसका भाई भी अपने काम के बाद घर लौट रहा था। जब ग्राम रामपुरिया और बल्लीपाड़ा के बीच सड़क किनारे गड्ढे के पास भीड़ लगी हुई थी तो उसे देखकर वह भी रुका, तो भीड़ में मौजूद लोगों ने बताया कि नीचे बाइक सहित एक युवक पड़ा हुआ है जिसका संभवतः एक्सीडेंट हुआ है। नीचे देखा तो अपने ही भाई और उसकी बाइक को पड़ा देखकर तुरंत लोगों की मदद से उठाया, एम्बुलेंस से उसे जिला अस्पताल लाए। प्रारंभ में युवक की मौत का कारण दुर्घटना माना जा रहा था। मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे जब डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया तो उसके सिर के पीछे वाले हिस्से से गोली निकली। PM से हुए चौंकाने वाले खुलासे के बाद पुलिस ने इस मामले में अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। SP गौरव तिवारी ने बताया कि मामले की जांच में पुलिस को मृतक की पत्नी के सेलाना के किसी व्यक्ति से संबंध की जानकारी मिली। साइबर सेल की मदद से जब पुलिस ने पड़ताल की तो मृतक की पत्नी के सेलाना निवासी अशोक पिता कारूलाल से मोबाइल पर लगातार बातचीत होने की जानकारी मिली। मृतक की पत्नी और उक्त व्यक्ति के लगातार बातचीत होने पर पुलिस ने अशोक को हिरासत में लेकर उसे गहनता से पूछताछ की। पुलिस पूछताछ में अशोक ने पूरे मामले का खुलासा किया। SP गौरव तिवारी ने बताया कि पूछताछ में अशोक ने मृतक की पत्नी से प्रेम करने की बात बताई। पूछताछ में उसने बताया कि 2 माह पहले इसी बात को लेकर उसका मुकेश से उसके ससुराल ताजपुरिया में विवाद हुआ था। इसी बात के बाद से ही अशोक ने मुकेश की हत्या करवाने की योजना बनाई। आरोपी अशोक ने पिपलोदा थाना निवासी लाला पिता शाहजाद और दिनेश पिता शंकरलाल को 2.5 लाख रुपए की सुपारी देने की बात बताई। आरोपियों ने मुकेश की रेकी की और घटना वाले दिन उसके बैंक से निकलने के बाद उसका पीछा किया। मुंशीपाड़ा के निकट सुनसान जगह पर आरोपियों ने मुकेश को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और भाग गए। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड है। एक साल पहले विदा ले चुकी नगर सरकार में पार्षद रह चुके अधिकतर पार्षदों से जनता नाराज है। कारण साफ है, चुनाव जीतने के बाद भी जनता के बीच नहीं जाना, चुनाव के समय वार्ड विकास के लिए किए गए वादों को पूरा नहीं करना। वार्ड क्रमांक 41 मार्चो क्षेत्र शहर के मध्य सबसे बड़ा कारोबारी और रहवासी क्षेत्र है जहाँ विकास कार्य नहीं होने से जनता नाराज है। इस क्षेत्र के पूर्व पार्षद मीणा बाल मुकुंद चावड़ा का चुनाव के बाद जनता के बीच नहीं जाना जनता के आक्रोश का कारण बना हुआ है। विकास की आस में अब इस क्षेत्र की जनता सोच समझकर ही पार्षद चुनने का मन बना चुकी है। जनता का कहना है कि यहाँ नाली का मेरा नाम सतीश सोलंकी। कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 41 है। कौन था पार्षद यहाँ का? ये पार्षद पहले नैना चावला थी, उन्होंने वो पहले बात करी थी तो उन्होंने बोला कि नाली हम पक्की करवा देंगे। हाँ। उन्होंने 5 साल हो गए कुछ कार्य नहीं कराया और जब भी जाते हम करवा रहे हैं। नगर पालिका के विनोद जी करके वो भी आए लेकिन उन्होंने भी सुनवाई नहीं करी और हम इस कारण बहुत परेशान हैं इस नाली से। क्या समस्या आ रही है ये नाली? यहाँ से वो नाली का पानी आता पूरे वार्ड के अंदर ही रोड पे है, पूरा अव्यवस्थित हो जाता है और यहाँ पूरे दुकान में हमारे पानी नाली का पानी की समस्या आती है। इस कारण मच्छर भी हो रहे हैं, नाली बहुत अव्यवस्थित है। इस कारण 5 साल से हम निवेदन कर करके थक चुके हैं और हमारी कोई ये कोठारीवास वार्ड नंबर कौन सा लगता है? 41। आप गए उनके पास पार्षद के पास तो क्या उनके निवेदन कर जो आगे वो करते हैं हम करवाएंगे और अभी तक 5 साल हो गए कोई सुनवाई नहीं हो रहा। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई विकास कार्य वगैरह हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, जैसा आज भी पहले भी वैसा ही था और अभी भी वैसा ही पड़ा हुआ है। बाल पटक के चले जाते हैं, 8-8 दिन तक उठते ही नहीं है और उनको हम बार बार बोलते हैं नगर पालिका को बोला उठा लेंगे हमारा एरिया नहीं है बस करते टाल देते हो। कोई विकास कार्य पुराने कुछ भी नहीं हुआ, कभी नहीं आया। पूरे सब गंदगी बाहर निकल जाती है, मच्छर होते हैं, सब परेशान होते हैं। मैडम ये
ना नालियों की सफाई होती है, ना रोड की सफाई होती है। 8-15 दिन में ही आते कहते तो चले जाते, हाँ आ रहे के आते कम है। वो सुनते ही नहीं, आते ना जाते है बस। अभी बहुत दिन हो गए, देखा ही नहीं उनको तो हमने 2-4-6 महीने में तो उनको के कौन है क्या है। आपके वार्ड के बारे में जानना चाह रहे हैं, क्या विकास कार्य हुए हैं, क्या समय समय में क्या आपको यहाँ उपलब्धियाँ मिली हैं? इन 5 सालों में इस वार्ड के अंदर कोई काम नहीं हुआ, ना पार्षद पति कभी आते हैं तो साल में एक आध बार कभी राउंड लगा के जाते हैं, ना पार्षद को तो देखा ही नहीं है कि पार्षद है कौन। पार्षद पति आते हैं, हाँ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और काम कुछ होता है नहीं। सड़क नाली की बात कर रहे हैं, सड़क नाली के अंदर पूरी नाली चाक पड़ी हुई है। परसों के रोज हमने सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत करी तो पर्वत सिंह जी आए और उन्होंने सिर्फ ऊपर ऊपर से जो फॉर्मेलिटी करनी थी ऊपर की कर दी। गाद आज भी जमा है, गाद जमा होने से सब पानी वापस रोड पे आता है। जी नालियों का पानी। आप पर्सनल मिलने गए पार्षद से? पार्षद से कितनी बार मिलने गए, तो पार्षद तो मिलते नहीं है, उनके पति मिलते हैं, तो पार्षद पति मिलते हैं, बस उनसे बात कर लो जो करना है। लॉकडाउन के दौर से बिगड़ी आर्थिक स्थिति अब तक पटरी पर नहीं आई, दूसरी तरफ बेरोजगारी मुंह बाई खड़ी है। इसे नाजुक दौर में तेजी से बढ़ती महंगाई ने आम घरों का बजट बिगाड़ दिया, वहीं बेरोजगारों के सामने चुनौती खड़ी है। सरकार ने एक बार फिर घरेलू गैस सिलेंडर के भाव बढ़ाए हैं, टंकी के भाव बढ़ने से घरों का बजट एक बार फिर बिगड़ जाएगा, जिससे लोगों में नाराजगी है। बताया जाता है कि एक तरफ गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, वहीं दूसरी तरफ मिलने वाली सब्सिडी भी उपभोक्ताओं को नहीं मिल रही। गैस सिलेंडर के भाव बढ़ने से परेशान जनता कहती है। मीनाक्षी चुगानी रतलाम से, मैं यही कहना चाहती हूं सरकार से कि गैस सिलेंडर के जो भाव बढ़े हैं वो बढ़ गए हैं, पर उसके लिए हमें सब्सिडी भी मिलनी चाहिए। जब समय पर सब्सिडी जो उन्होंने लागू की गई थी, समय समय पर सब्सिडी मिलेगी, पर कई लोगों को सब्सिडी नहीं मिल पा रही है, तो जिस तरह रेट बढ़ते जा रहे हैं क्या उचित है, क्या अपेक्षा करेंगे सरकार से? मैं सरकार से ये कहना चाहूँगी कि सब्सिडी तो सभी को मिलनी ही चाहिए, भले गैस सिलेंडर के एक दफे दाम बढ़ जाएं, पर सब्सिडी तो सभी को मिलनी चाहिए कंपलसरी। खाद्य पदार्थों पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों पर भी सरकार का नियंत्रण नहीं होने से तेजी आई, जिसे आम लोगों का घर चलाना मुश्किल हो रहा है। आदिवासी परिवार बाजना ने महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा है। ज्ञापन में निजी कंपनियों पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए कहा है कि ये कंपनियां 12% से अधिक ब्याज वसूल कर आदिवासियों के साथ धोखा कर रही है। ब्याजखोर कंपनियों और जमीनें गिरवी रखने वालों पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। आदिवासी परिवार सदस्य ने मीडिया को बताया, ये हमारा आदिवासी ट्राइबल क्षेत्र है जो शेड्यूल 5 में आता है। बिना ग्राम सभा के पावर के कोई भी कंपनियां, कोई भी निजी कंपनियां हमारे क्षेत्र में कोई भी पैसा बांट नहीं सकती है। फिर भी ट्राइबल क्षेत्रों में 50 से अधिक निजी कंपनियां हैं जिनके नाम मैंने ज्ञापन में भी दिए है, वो लोगों ने कम से कम 20 करोड़ से ज़्यादा पैसा हमारे क्षेत्र में बांट रखा है। और उनकी जो गाइडलाइन है सरकार, यहाँ पर जिला प्रशासन को भी पता नहीं हुआ क्या गाइडलाइन से पैसा बांट रखा है इन लोगों ने ब्याज का। और यह जाते गांव में सीधे सेठ महिलाओं को 10 जनों का समूह बनाते हैं, 3 लाख रुपये बांटते हैं, 33,000 रुपये एक जनों को आता है। इसके बाद में वो पैसा जब उसे वसूलने जाते हैं, बड़े बदतमीजी और गालियों के साथ में पैसा वसूलते हैं, और ब्याज लगभग जो 12% का होना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा ब्याज वसूलते हैं। और हमने पहले भी इस कंपनी के खिलाफ में ज्ञापन दिया था, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। और हमारे क्षेत्र में जिस प्रकार से कोरोना से जितना डर नहीं लगता, इतना डर तो इन समूह वालों से लगने लग गया है कि पैसा ब्याज का कितना परसेंट लेते हैं हमारे क्षेत्रों में। अच्छा, क्योंकि महिला हमारे अनपढ़ है हमारे क्षेत्र में। ये आदिवासी क्षेत्र में कितने गाँव होंगे? ये कम से कम 3 ब्लॉक सेलाना, बाजना, रावटी, शिवगढ़ और रतलाम ग्रामीण भी जिसमें शामिल है, तो पूरी तरह से इस प्रकार से परेशान हो गए हैं गांव में। अगर महिला सुबह सुबह 6 बजे पहुंच जाते हैं कंपनी वाले उठ के, और किसी महिला के पास में पैसा होता नहीं, गाली गलौज करके जबरदस्ती पैसा लेके आते हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री देवेंद्र पांडे पर किए गए जानलेवा हमले के आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। सतना पुलिस ने अभी तक इस मामले में कार्रवाई भी नहीं की। 48 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं करा तो पूरे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का पुतला दहन किया जाएगा। अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने एसपी के नाम ज्ञापन CSP को देते हुए कही। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि जो हत्यारे और जो हिंदूवादी नेताओं को मारने का षड्यंत्र कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। ज्ञापन में बताया गया कि पांडे ने लगातार सनातन धर्म, हिंदू धर्म के लिए लगातार आवाज उठाई।
मध्य प्रदेश सहित संपूर्ण भारत में हिंदू महासभा के माध्यम से हिंदुओं को एक कर अपने धर्म के प्रति जागरूक करना और हिंदू धर्म पर हो रहे अत्याचार पर रोक लगाने के लिए आंदोलन करते रहते हैं। इसको देखते हुए उन पर जानलेवा हमला किया गया। इस मौके पर महासभा के सदस्य उपस्थित थे। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री देवेंद्र जी पांडे पर 13 तारीख रात को 12 के बीच उन पर 5 अज्ञात व्यक्तियों ने हमला किया। उस विषय पर हमने ज्ञापन दिया है और हिंदू महासभा के 5वें पदाधिकारी ऐसे हैं जिन पर हमला हुआ है। आए दिन हिंदूवादी नेताओं की और संतों की हत्या हो रही है। इस विषय पर प्रदेश सरकार कोई भी निर्णय या कोई भी ठोस निर्णय नहीं ले पा रही है और उसी दिन रात को जब इन पर हमला हुआ तो वहाँ पुलिस प्रशासन ने कोई FIR दर्ज नहीं की और कोई कार्रवाई नहीं की।